हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए, जैसे कि बायोलॉजी के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, जैसे कि हम बोले थे कि पहले यानी कि फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, उसके बाद बायो, यानी कि अंतिम मेरा बायो ये चल रहा है। ये समाप्त होने के बाद जो जीके हम स्टार्ट किए थे शुरू में, वो चीज स्टॉप करने के बाद हम साइंस पर आए थे। तो ये साइंस मेरा समाप्त होने वाला है, यानी अंतिम चरण चल रहा है बायोलॉजी। ये समाप्त होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे फिर से जहां से हम जीके छोड़े थे वहीं से। तो चलिए, ऐसे कि ध्यान दीजिएगा, ये बायोलॉजी थोड़ा सा टेढ़ा सब्जेक्ट है, खासकर मेरे लिए। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी हो रहा तो मैनेज करना है। तो चलिए, यानी कि इस बायोलॉजी को समाप्त करने के बाद हम फिर से जहाँ जीके स्टॉप किए थे वहां से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, आज का जो यानी कि देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट और कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो खासकर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर इम्पोर्टेंट ही रहता है। तो आइए बात करते हैं आज का पहला नंबर। देखिए, यानी कि नंबरिंग के तौर पर 9 यानी कि नंबरिंग दिया गया है। तो उसमें से ये सारी चीज इम्पोर्टेंट, तो ध्यान में रखना है। आज का जो पहला क्वेश्चन है बहुत इजी है, यानी कि इजी किसको कहते हैं, जिसको हम जानते हैं वो इजी, नहीं जानता है टफ है। तो ध्यान में रखना, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला नंबरिंग जो है वो बहुत ही इजी है, क्योंकि ये खासकर सबको जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206, ये सबको जानते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है। लेकिन बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 208 होती है। तो ध्यान में रखना, सबको यानी कि करीब को ये चीज पता रहता, लेकिन ये नहीं पता रहता। तो ध्यान में रखना है, पहला नंबर क्या था कि मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या जो थी वो थी 206 हड्डियां, 206। उसके बाद बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या जो होती है वो होती है 208, कितनी होती है, 208। तो ध्यान में रखिएगा, यानी कि बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 2 ज्यादा होती है, और यानी कि ये वयस्क होने के बाद, बड़ा होने के बाद 2 हड्डियां घट जाती है। तो यानी कि वयस्क होने के बाद 206, बाल्यावस्था में 208। आइए तीसरा नंबर की बात करते हैं, सिर की हड्डी यानी कि कुल हड्डियों की संख्या क्या है, सिर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 29। क्या है, 29, यानी कि सिर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो ये है 29, यानी कि 29 हड्डियां होती है। चौथा नंबर बात करते हैं कपाल की, कपाल में कितनी हड्डियां होती है, तो यह होती 8, यानी कि 8 हड्डी होती है। यानी कि कपाल में जो हड्डी की संख्या होती है वो होती है 8। फिर है फेसियल, फेसियल में कितना होगा, तो 14। ध्यान दीजिएगा, फेसियल में कुल हड्डियों की संख्या 14। फिर है कर्ण, यानी कि कर्ण में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, यह है 6, यानी कि कर्ण में कुल हड्डियों की संख्या टोटल 6 है। और रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, 2 बार यहां लिखा गया है नंबरिंग 7 और 8, यानी कि रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या जो है 33, फिर से रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या 26। तो ये जो है 33 जो है कब होगा, प्रारंभ में होगा, ये है प्रारंभ में। ध्यान दीजिएगा, रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या प्रारंभ में, और बड़ा होने के बाद यह हो जाता है 26। तो ध्यान में रखिएगा, यानी कि बच्चा में रीढ़ की हड्डियों की संख्या, कुल हड्डियों की संख्या 33, और वयस्क होने के बाद, बड़ा होने के बाद रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या हो जाती है 26। फिर अब पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या, यानी कि कितनी पसलियों की संख्या है, तो यह 24। तो ध्यान में रखना है, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206, बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या 208, सिर की कुल हड्डियों की संख्या 29, कपाल में है 8, फेसियल में 14, कर्ण में 6, रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या 33 का बाल्यावस्था में, रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या 26 कब, वयस्क जब हो जाए तब। फिर अब पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या 24, यानी कि 24। यह हड्डी समाप्त करने के बाद, इसीलिए इसको अलग चार्ट में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट के तौर पर है और इसको अलग चार्ट में लाने से ही बेटर होता है। तो ये बात करते हैं अनुकंपी तंत्र के कार्य, क्या है अनुकंपी तंत्र का क्या कार्य है, इस पर चर्चा करेंगे, फिर करेंगे परानुकंपी तंत्र के कार्य। यानी कि दो चीज है, अनुकंपी तंत्र के कार्य, दूसरा परानुकंपी तंत्र के कार्य। तो आइए बात करते हैं अभी पहला पहल अनुकंपी तंत्र के कार्य, यानी कि पहला नंबर क्या है, यह त्वचा में उपस्थित रुधिर वाहिनियों, क्या है त्वचा में उपस्थित रुधिर वाहिनियों को संकीर्ण करता है।
अनुकंपी तंत्र का पहला कार्य क्या था? कि यह त्वचा में उपस्थित रुधिर वाहिनियों को संकीर्ण करता है। दूसरा है इसकी क्रिया से बाल खड़े हो जाते हैं। क्या है? इसकी क्रिया से बाल खड़े हो जाते हैं, अनुकंपी तंत्र का यह दूसरा कार्य था। फिर तीसरा, यह लार ग्रंथियों के स्राव को कम करता है। क्या है? लार ग्रंथियों के स्राव को कम करता है। चौथा कार्य है, यह हृदय स्पंदन को कम करता है। फिर यानी कि टोटल कितना कार्य है अनुकंपी तंत्र का? टोटल 11 कार्य है, जिसमें हम चार बता चुके। पहला कौन था? त्वचा में उपस्थित रुधिर वाहिनियों को संकीर्ण करता है, इसकी क्रिया से बाल खड़े रहते हैं, या लार ग्रंथियों के स्राव को कम करता है, और यह हृदय स्पंदन को कम करता है। ये पांचवा नंबर की बात करते हैं, यानी कि अनुकंपी तंत्र का पांचवा कार्य। अनुकंपी तंत्र का पांचवा कार्य क्या है? कि यह सफेद ग्रंथि, सॉरी, यह श्वेत या सफेद, जो भी है, श्वेत को ही यानी कि हम सफेद कहते हैं, तो यह श्वेत ग्रंथियों के स्राव को कम करता है। क्या? यह श्वेत ग्रंथियों के स्राव को कम करता है, या आंख की पुतली को फैलाता है। अनुकंपी तंत्र के कार्य के कारण ही क्या होती है? आंख की पुतली फैलती है। तो अनुकंपी तंत्र का छठा कार्य क्या है? कि यह आंख की पुतली को यानी कि फैलाता है। सातवां नंबर है, यह मूत्राशय की पेशियों को विमोचन करता है। सातवां कार्य क्या है? कि यह मूत्राशय की पेशियों का विमोचन करता है। फिर यह आंत में कर्माकुचन गति को कम करता है। क्या है? आंत में कर्माकुचन गति को कम करता है। नौवां है, इसके द्वारा श्वसन दर तीव्र हो जाती है, यानी कि तेज हो जाती है। नौवां कार्य क्या है? इसके द्वारा श्वसन दर जो है, रेट जो है, क्या होती है? तीव्र हो जाती है, मतलब तेज हो जाता है। फिर दसवां है, यह रक्त दाब को बढ़ाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को क्या करता है? ये बढ़ाता है। कौन? अनुकंपी तंत्र के कारण। तो ध्यान दीजिएगा, दसवां कार्य क्या है इसका? कि यह रक्त दाब को भी बढ़ाता है। ग्यारहवां है, यह रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। कौन सी विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं बन पाता? तो वह है विटामिन के। तो ध्यान में रखिएगा, रक्त का थक्का बनने में भी मदद करता है। कौन? तो अनुकंपी तंत्र। अरे बात करेंगे हम परानुकंपी तंत्र के कार्य। ये अभी बात की हम अनुकंपी तंत्र के कार्य, और अभी बात करेंगे परानुकंपी तंत्र के कार्य। तो पहला कार्य क्या है? कि यह लार के स्राव में तथा अन्य पाचक रसों में वृद्धि करता है। क्या है? यह लार के स्राव में तथा अन्य पाचक रसों में क्या करता है? वृद्धि करता है। और थर्ड नंबर है, यह नेत्र के पुतली का संकुचन करता है। नेत्र के पुतली का क्या करता है? संकुचन करता है, इससे उल्टा है। फिर चौथा नंबर है, यह मूत्राशय की अन्य पेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है। और इसके साथ ही यानी कि परानुकंपी तंत्र का कार्य समाप्त होता है। अब बात करेंगे हम कंकाल तंत्र की, यानी कि स्केल्टन सिस्टम की। यानी कि कंकाल तंत्र को ही हम क्या कहते हैं? स्केल्टन सिस्टम। तो हम बात करेंगे कंकाल तंत्र की, और कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अक्षीय कंकाल, दूसरा है उपांगीय कंकाल। क्या है? पहला है अक्षीय कंकाल, दूसरा है उपांगीय कंकाल। अभी हम बात करें, सिर्फ थोड़ा सा इस पर बात करते हैं अक्षीय कंकाल की, फिर नेक्स्ट क्लास में इस पर यानी कि विस्तार पूर्वक बात करेंगे, और फिर उसके बाद उपांगीय कंकाल की बात करेंगे। तो आइए, कंकाल तंत्र यानी कि स्केल्टन सिस्टम का पहला भाग कौन सा? तो अक्षीय कंकाल। तो इसके अंतर्गत थोड़ा सा ही बता देते हैं कौन सा है। तो खोपड़ी आता है, कशेरुक दंड आता है, और छाती की अस्थियां आती है। यानी कि ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती है? तो अक्षीय कंकाल के अंतर्गत। फिर हम बात करेंगे इस पर, खोपड़ी पर भी, इस पर भी, इसका डिफिनेशन भी देंगे। उसके बाद हम फिर बात करेंगे उपांगीय कंकाल की। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।